सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है PING टूल, पिंग टूल आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी MB होना चाहिए, चाहे वो आप अपने दोस्त का MB कनेक्ट करो या आपके पास खुद का MB हो। आप लोगों ने 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं, उसके लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी MB होना चाहिए। तो आप लोगों ने पिंग टूल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने 1 VPN इंस्टॉल कर देना है। 1 VPN इंस्टॉल कर यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाएगा, आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। उसके अलावा आप लोगों ने दूसरा APK इंस्टॉल नहीं करना है, वरना वर्क नहीं कराएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल करोगे थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना होगा तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जो सेम टू सेम इसी का एक पार्ट है। आप लोगों ने यहाँ पर 1 VPN प्लगइन डाउनलोड कर देना है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है वो सब कुछ मैं डिटेल से बता दूंगा। बस आप लोगों ने वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए उसके बाद आप लोगों ने तीनों एप्लीकेशन एक साथ कर लेना है, इकट्ठे कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने पिंग टूल यहाँ से ओपन कर लेना है। पिंग टूल ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर मोबाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगे। तो आप लोगों ने सिंपली DNS 1 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो IP एड्रेस मिलेगा, आप लोगों ने सिंपली इस IP एड्रेस पर क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगा। अगर आपको कॉपी करना नहीं आता तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने ओपन VPN को बिल्कुल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर 5 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही 5 सेकेंड वेट करोगे उसके बाद आप लोगों ने नॉट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। आप लोगों ने सबको क्लियर कर देना है, स्किप कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर लास्ट में देखोगे आपको ADM मिल जाएगा। ADMs पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट पर ज़रूर क्लिक करें, वरना ये APK वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आप लोगों ने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो सेकेंड कंट्री है कनाडा का, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है ये चूज़ कर लेना है SSH का। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ग्रीन जो मिल जाएगा, ग्रीन साइन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर अदर्स या कस्टम मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने IP एड्रेस देना होगा। IP एड्रेस देना होगा जो कि मैंने पिंग टूल में आपको बता दिया था। तो चलिए मैं वापस पिंग टूल पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस IP एड्रेस को कॉपी करूँगा। सिंपली उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यही IP एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये VPN कनेक्ट हो जाएगा। अगर VPN कनेक्ट नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिए और वही सेम टू सेम वही सेटिंग करें जो कि मैंने बताया था। तो आप लोग यहाँ पर प्रूफ चेक कर सकते हैं कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल आप फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये मत सोचे कि ये सिर्फ VPN है। मैंने तो तीनों एप्लीकेशन इसीलिए आप लोगों को बता दिए कि ये एप्लीकेशन जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और ये बिल्कुल फ्री इंटरनेट देता है किसी भी सिम पर और किसी भी कंट्री में। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं किसी भी वीडियो को क्लिक करता हूँ और उसको प्ले कर देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब प्रूफ आप लोगों के सामने है। मेरा जो इंटरनेट है बिल्कुल सही तरह वर्क कर रहा है। मेरे पास थोड़े से MB थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दिए। आप लोगों ने भी ऑलरेडी से MB ले लेना होगा। तो आप लोगों का भी इसी तरह